ये क्या हुआ यार, मेरी वीडियो ही डिलीट हो गई। ओहो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं हूँ खुर्रम जहाज़ेब लाइव लाहौर से, और आज संडे है और 2020 की आज पहली बारिश है, तो मैंने कहा चलें ज़रा एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एक सुजो डी मैक्स के साथ एक छोटा सा वॉक अराउंड बनाते हैं लाहौर शहर का और आपको एंजॉय कराते हैं। तो अभी इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ कहाँ पर जी, जेल रोड पे। कॉफ़ी मैंने ली थी अभी दो मिनट पहले, सो मैंने कहा ज़रा हल्का हल्का कॉफ़ी के सिप्स हों और आपसे गपशप हो। अच्छा, दो तीन दिनों से आपको बल्कि शायद पता ही होगा, पिछले वीक से स्मॉग बहुत चल रही है लाहौर में, बल्कि पाकिस्तान पूरे में, बिकॉज हम लोग पोल्यूशन उगलने वाली फैक्ट्री हैं, तो हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनमें भी पोल्यूशन है, और हमारी गाड़ियाँ और भट्टे और इस तरह के जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो सब लोग धुआं ही उगलते हैं, ठीक है ना जी। जबकि मोहब्बत उगलनी चाहिए और ग्रीन लाहौर होना चाहिए और ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए, सो दैट कि हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना जी। हमारे रवैये भी कुछ ऐसे ही हैं। खैर, तो आज कल से फोरकास्ट थी कि जी बारिश होगी लाहौर शहर में, तो सुबह वैसे हमारा एक हार्ले राइड भी थी जिसे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया, मैं फॉर्चुनेटली नहीं जा सका। तो हार्ले राइड थी सुबह तकरीबन, मेरे ख्याल है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद एक नाश्ता था खान बाबा पर, खैर मैं उसको पार्ट नहीं बन सका। अच्छा जी, हम लोग अब जेल रोड से टर्न लेते हुए जाएंगे टुवर्ड्स नहर की तरफ, और फिर ठोकर न्याज बेग और बैरियर टाउन जाना है, वैसे मुझे एक काम है, तो मैंने कहा चलें ज़रा। अच्छा, आपको कुछ रोड भी ज़रा दिखाएं साथ के साथ। देखिए जी, ये बारिश के बाद जो है ना मौसम क्लियर होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ ये है कि बारिश के बाद भी अभी तक देखें आप तो स्मॉग जो है वो ऊपर आसमान पे मौजूद है, विजन क्लियर नहीं है। देखिए विजन जो है ना बहुत धुंधला सा है, और मेरे सामने कौन सी किया कार्निवल जा रही है, यस, ये भी बड़ी लग्जरियस गाड़ी है, किया कार्निवल। जैसे जी हम लोग मौजूद हैं इस टाइम जेल रोड पर, और यहाँ से हम लोग एक लेफ्ट टर्न लेंगे टूवर्ड्स नहर, और ये जो कैनाल है ना जी, ये बड़ी खूबसूरत है हमारी, और जब मौसम में बाहर आता है ना तो बहुत मज़ा आता है। इस पर NCA वाले और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर वाले ना इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इसको खूबसूरत फूलों से और रोशनियों से मुजयन करते हैं, जिसकी वजह इस रात को यहाँ पर जिसे कहते हैं ना दीदनी नज़ारा होता है। हाँ, गाड़ियों की लाइनें होती हैं रोड के राइट एंड लेफ्ट, बट वो होता कब है, जब ख़िज़ा ख़त्म होती है और बाहर ताज़ी ताज़ी आती है मार्च के महीने में। अच्छा, जिस टाइम पे मौजूद हैं जी 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं कैनाल पे। भैया मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी इस चक्कर में, तो लैटे मैंने ली जी, मैंने कहा ज़रा मौसम की मुनासिबत से लैटे को एंजॉय करें, और समा जो है वो आज सुहाना सुहाना है। सो समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है, ला 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 ला। जवां मोहब्बत के साथ हम मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पर, और मुस्लिम टाउन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेफ्ट में मेरे FC कॉलेज आएगा, और FC कॉलेज के साथ बड़ी खूबसूरत आजकल एक नई नई बिल्डिंग बनी है, अपार्टमेंट बिल्डिंग ना, और बहुत ही महंगे और लग्जरियस अपार्टमेंट्स हैं। तो ये FC कॉलेज अंडरपास जस्टिस कर्नेलियस भी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं इस टाइम, और मौसम देखें आपके सामने बिल्कुल ऐसे स्मॉगी फॉगी, और जैसे वो कहते हैं ना सहरा में आप जा रहे हो तो रेत उड़ रही हो या मट्टी उड़ रही हो, तो उसकी वजह से बिल्कुल धुंधलाहट सी होती है। अब देखिए वीएन जो है ना बहुत धुंधला सा है, मजे का नहीं है, जबकि बारिश के बाद तो इसको ऐसे होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। तो ये मौसम है सरमा की जी, पहली बारिश है, और ऑब्वियसली इसके बाद थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि सुबह हम लोगों दोस्तों का एक प्लान था राइड का, जो कि बड़ी ज़बरदस्त राइड थी, उसका इख्तिताम नाश्ते पर हुआ, खान बाबा पर देसी कुकड़ का नाश्ता किया गया, और उसके बाद फिर सारे डिस्पर्स हो गए। शाम में मैं भी एक गेट टुगेदर दोबारा हूँ, अगर हुई तो इंशाल्लाह फिर उसकी भी कोई वीडियो बनाएंगे मौका मिला तो।
अच्छा जी, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आज का थोड़ा सा मैंने आपको बस बता दिया, ओवरव्यू यही था कि फर्स्ट बारिश थी 2020 के सर्दियों की, मौसम सरमा की पहली बारिश थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा एक गपशप हो जाए दोस्तों से, एक छोटी सी वीडियो बन जाए और कॉफ़ी इंजॉय कर ली जाए। तो आज तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और एंड में मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ KJZ ऑफिशियल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, आपको दिखाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस गपशप को एंजॉय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुशियां बांटिए, खुशियां बिखेरिए और खुशियां ही रिसीव कीजिए, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी सी है और ये मोहब्बतों के लिए थोड़ी है, तो हम इसे नफ़रतों में ज़ाया कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम जहाँ ज़ेब, लाइव फ्रॉम लाहौर, सॉरी, टेक केयर, बाय बाय।